जनरल कैटेगरी में आप देखोगे 90% सीटें सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग लेके जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इस देश में जाति का विनाश करना। और वो लोग क्या कर रहे हैं? जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं इस जनरल कैटेगरी के माध्यम से। हमारे परिवार के बड़े, मेरे बड़े भाई श्री राजेंद्र पाल गौतम जी इस मंच से और इस सदन में मौजूद, हमारे विद्वान प्रोफेसर रतनलाल जी, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज का जो विषय है वो इस देश में हो रहे सबसे बड़ा घोटाला के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं कि दुनिया में जो सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है उस घोटाला के बारे में कहीं चर्चा तक नहीं हो रही है, और हम लोग उस पे खामोश हैं क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी तक नहीं। और वो घोटाला है जनरल कैटेगरी की नौकरियां जो सरकारी व्यवस्थाओं में लाई गई है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी की नौकरियाँ है वो नौकरी होती क्या है और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए था। जो जनरल कैटेगरी की नौकरियां हैं आज के तारीख में 40.5% के आसपास ये नौकरियां हैं जो जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। और इससे एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इस देश को कि वो लोग जो हमारे समाज के मेधावी छात्र हैं, वो छात्र जब सरकारी नौकरियों और सरकारी जिम्मेदारियों में जाए तो इस देश में जाति नामक जो जहर है उस जहर को खत्म करना उनका उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत हुआ। ये जो 40% आज के तारीख में, 2019 से पहले ये लगभग 50% था। तो जो 40.5% लोग जो जनरल कैटेगरी जिसमें कि हम लोगों ने अपना योगदान दिया, अगर 2011 के आप जातिगत जनगणना को आधार मानेंगे जो SC समाज का है, हमारा 17.5% आबादी है और 15% रिजर्वेशन मिलता है, और ये 2011 की जाति जनगणना के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 2.5% हम लोगों ने हर साल दिया जनरल कैटेगरी में। इसका मतलब 2.5 लाख हमारे बच्चों की नौकरियां हमने किसको दे दिया? जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया। ST समाज की अगर हम लोग बात करें तो 8.5% और उनको 7% मिलता है। इसका मतलब उन्होंने भी 1 लाख बच्चों की नौकरी अपनी काट करके जनरल कैटेगरी में डाला। अगर OBC समाज की बात हम करें और बिहार की जाति जनगणना को हम लोग आधार मानते हैं तो OBC की आबादी लगभग 63% है इसका, और उनको आरक्षण मिलता है महज 27%। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 35%, ऊपर नीचे 1% आप समझ रहे हो, लगभग 35% OBC समाज के लोग जनरल कैटेगरी में, यानी 35 लाख बच्चों की अपने पेट काट के हम लोग जनरल पूल में डाल रहे हैं। और यहां एक कैटेगरी और बनाया गया 2019 में जिसको आप लोग कहते हो EWS कैटेगरी, और वो है किसके लिए? सवर्णों के लिए। और सवर्ण का कितना है जनसंख्या? 10%। उनको आरक्षण कितना मिल रहा है? 10%, यानी जितना उनका था वो सारा वो ले गए। और जनरल कैटेगरी में जिसमें सबसे ज्यादा हम लोगों ने अपना योगदान दिया उसका भी 90% सीटें सिर्फ सवर्ण लोग लेकर के जा रहे हैं और हम लोग अपने बच्चों को बेरोजगार बनाते जा रहे हैं, और इस पर हम चर्चा तक नहीं कर रहे। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ये कितना महत्वपूर्ण है। आज अगर SC ST OBC, जब मैं अपने विधानसभा में घूमता हूँ, गलियों में, झुग्गियों में जाता हूँ, अपने SC ST कैटेगरी के घरों में जब घूमता हूँ और वहाँ जाकर के देखता हूँ, तो 100 हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों में 98 बच्चे मेरे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। मैं बात गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? और उसका कारण है ये जनरल कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी में क्या है कि वो चंद जो 3.5% ब्राह्मण जाति के लोग हैं उस जनरल कैटेगरी का 90% सीटें वो कब्जा कर रहे हैं अपने व्यवस्थाओं से, अपने संसाधनों से, अपने मंत्री के माध्यम से, अपने डायरेक्टर और चेयरमैन के माध्यम से, अपने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के माध्यम से। जनरल कैटेगरी में आप देखोगे 90% सीटें सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग लेके जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? इस देश में जाति का विनाश करना।
और वो लोग क्या कर रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं इस जनरल कैटेगरी के माध्यम से। अब मैं समझाता हूं कैसे। आप इंटरव्यू पे चले जाना, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखोगे कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें एक क्लास वन में क्या होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में 90% लोग जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले लोग हैं वो सारे जनरल कैटेगरी के आते हैं। और तब मेरे एससी बच्चों को जब देखते हैं नंबर ये डिजर्व करते हैं 45 और उनको देते हैं 25, वो नौकरी से बाहर। ओबीसी के बच्चों को देखते हैं वो नंबर डिजर्व करेंगे 50, उनको नंबर देंगे 30, वो नौकरी से बाहर। और बाद में उनको एनएफएस करके उन्हीं सीटों को बाद में अगर बार बार वो 3 या 4 बार ऐसा होता है उसके बाद उसको जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं और उन्हीं सीटों पर जनरल कैटेगरी के बच्चों को अपॉइंट कर लिया जा रहा है। तब हमारे बच्चे आज बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो देखिए इसका हमारे विद्वानों ने, हमारे समाज के प्रबुद्ध जो यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों की मेहनत मशक्कत और आपकी शोध ने एक नया व्यवस्था का ईजाद किया है। और वो व्यवस्था क्या है, राष्ट्र निर्माण कैटेगरी। और राष्ट्र निर्माण कैटेगरी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा हथियार है जो हमारे देश से जाति नाम के जहर को खत्म कर देने का काम करेगा। कैसे खत्म करेगा, ये जनरल कैटेगरी है क्या, जो 40% आज के तारीख में जनरल कैटेगरी का जो पूल है उस पूल में हम लोगों का ये मानना है कि उसमें कम से कम उसका 25% सीटें SC ST OBC माइनॉरिटी और उन लोगों के लिए रिजर्व किया जाए जो इंटर कैटेगरी शादियां करते हों। ये बात समझ में, कोई SC का बच्चा कोई OBC से शादी कर ले तो उसको माना जाएगा राष्ट्र निर्माण कैटेगरी का वो हिस्सा होगा। और जब आने वाले समय में नौकरियां निकलेगी तो इस बच्चे को आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाएगा और उसको उसके आधार पर नौकरी दी जाएगी। एक इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है और फंडामेंटल जो है जो कहता है कि इंसेंटिव अट्रैक्ट्स ह्यूमन बींग्स पीपल। लोगों को अगर इंसेंटिव दोगे तो उसको वो अट्रैक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सरकारी नौकरियों की मैं बात क्यों कर रहा हूं। आपको जब 7th पे कमीशन को देखोगे तो उसके अनुसार ये बात पता चल गया कि इस देश में लगभग 32 लाख लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं। ये 7th पे कमीशन का रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये डाटा परफेक्ट है, आप लोग बाद में चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं बिहार की जाति जनगणना को अगर आप लोग आधार मानेंगे तो बिहार में लगभग 20 लाख के आसपास स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। और बिहार जैसे भारत में लगभग 20 ऐसे स्टेट हैं जहां की लगभग 20 लाख के आसपास व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी करता है स्टेट गवर्नमेंट में। यानी मिला जुला के 4 करोड़ आपका स्टेट गवर्नमेंट में हो गया, 32 लाख ये हो गया, यानी टोटल नौकरियां 4 करोड़ 32 लाख हो गया। और 4 करोड़ 32 लाख में अगर एक व्यक्ति की उम्र मान लो 30 साल नौकरी करने का है तो एक साल में लगभग 14 लाख लोग जो है सरकारी नौकरियों से सेवानिवृत्त होते हैं। और जब सेवानिवृत्त होते हैं इसका मतलब उतने लोग अपॉइंट भी होते हैं। तब हम कह रहे हैं कि वो 14 लाख में अगर 25% लोगों को हम लोग राष्ट्र निर्माण कैटेगरी से अगर हम लोग अपॉइंट करना शुरू कर देते हैं इसका मतलब लगभग 25% 14 का कितना हो गया, 3.5 लाख। और आज के तारीख में बेरोजगारी का ये आलम है। मैं कल सुन रहा था एक माननीय जातिवादी सांसद से, वो लोकसभा में बता रहे थे कि बेरोजगारी का आलम ये है कि अभी डी ग्रेड की नौकरियां निकली थी लगभग 60,000 रेलवे में और उस 60,000 नौकरियों को फिल करने के लिए 2.5 करोड़ बच्चों ने हमारे अप्लाई किए। उसको मैंने कोशिश किया कि एक सीट पे कितना आता है तो लगभग 300 से 400 के बीच बच्चे एक सीट पे अप्लाई करते हैं। इसका मतलब अगर 25% जिसको कि हम लोग कह रहे हैं कि जो राष्ट्र निर्माण कैटेगरी से आएगा तो आप समझना कि एक कितना बड़ा फौज होगा जो जाति जहर के वो खत्म करने का काम करेगा। तो अगर 14 लाख का 25% का मतलब 3.5 लाख, 3.5 लाख सीटों की वैकेंसी अगर एक साल में निकलेगी और एक सीट पे अगर 100 बच्चा भी हमारा उस एग्जाम में बैठने के लिए तैयारी करेगा या उस नेशन बिल्डर कैटेगरी में आने का प्रयास करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक साल में 3.5 करोड़ ऐसे लोगों की फौज तैयार होगी जो जात पात में विश्वास नहीं करेगा, जो SC ST OBC में विश्वास नहीं करेगा। उसको वो किस बात में विश्वास करेगा कि भाई
और दो जैसे अभी मेरा मेरे एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि वो बाप माई अलाउ करेगा क्या इस तरह के शादी को, तो तब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये जो थ्योरी है कि इंसेंटिव जो है लोगों को प्रभावित करता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले वो माँ बाप अपने बच्चों को बीजातीय शादी या गैर कैटेगरी में शादी करने के लिए प्रेरित करेंगे कि बेटा शादी कर ले तो कम से कम या तो तुम्हारी चाहे तुम्हारी बहू को नौकरी मिल जाएगी तो हमारा परिवार बढ़िया चल जाएगा। इस बात से आप लोग एग्री करते हो या नहीं करते हो? तो इसका लाभ मिलने वाला है हमारे परिवार को और हमारे समाज को। तो अगर इस प्रकार से हम इस समाज में इस बात की चर्चा और विस्तार में करने की जरूरत थी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य बिंदु आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो अनरिजर्व कैटेगरी की नौकरियां हैं उसको खत्म करके उसमें जनरल कैटेगरी की नौकरी को लाया जाए। और उसको लाने के बाद इस प्रकार जब 3.5 करोड़ बच्चा हमारा ऐसा होगा जो SC ST OBC और अल्पसंख्यक एक दूसरे में शादी करेंगे, तो हमारे बीच की जो दूरियां होगी, जो SC ST OBC के जो लोग अलग अलग मंचों से बात करते हैं अब सब कहेंगे हम 90 वाले हैं। और तब मैं डायमंड परिवार से बिलोंग करता हूं। अब SC ST OBC को हम लोग SC ST OBC नहीं कहते हैं, हम डायमंड कहते हैं। हमने कहा कि शूद्रों ये ब्राह्मणों द्वारा दिया हुआ नाम है, उनका नाम उनको मुबारक, हम तो डायमंड हो गए, ठीक है। तो ये नेशन बिल्डर कैटेगरी को आप लोग ध्यान में रखिए। और हमारे प्रबुद्ध यहाँ सब बैठे हुए हैं, ताकतवर लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं। अगर आप लोग इस बात की चर्चा करोगे, बस एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने मेरे भाई बैठे हैं और मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आई है, आप अपने लैंग्वेज में जो टूटा फूटा शब्द में वीडियो बना सकते हो आप लोग बनाओ और YouTube, Facebook और Instagram पे इन मुद्दों पे डाला करो, ताकि आपके माध्यम से आपके समाज के लोग जागे और तब ये संख्या करोड़ों में जाएगी और तब ये आवाज़ सदन में भी उठेगा और जब वहाँ उठेगा तो ये कानून का रूप लेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।